हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है मोनी जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आपने जैसे थंबनेल में देख लिया है, आज के वीडियो में आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहले इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करके रील्स वाले सेक्शन में सेलेक्ट कर लेना है। रील्स वाले सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक करें फ्रेंड्स। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करें, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट डालना हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करें फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्शन लिखना है फ्रेंड्स। आपको ये किस रिलेटेड ये टॉपिक वीडियो है इसके आपके कैप्शन लिखना है, जैसे सिटी लाइट, मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पर लिखने के बाद आपको पांच स्पेस लाइन छोड़ के आपको यहाँ पर हैशटैग डाल लेना है फ्रेंड्स। हैशटैग आपको इस वीडियो के रिलेटेड डालना है, सिटी पहला हैशटैग सिटी लाइट्स, और यहाँ पर नाइट, नाइट फोटोग्राफी, और हैशटैग नेचर फोटोग्राफी, हैशटैग नेचर लवर्स। इतनी आपको हैशटैग डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आल्सो शेयर फीड को ऑफ कर लेना है फ्रेंड्स। और आपको यहां पर ओरिजिनल नेम में आपके कौन सा भी आपका नाम, आईडी का नाम लिख लेना है फ्रेंड्स। यहां पर मैं लिख लेता हूं इतने बाद इसको टिक कर लेना है फ्रेंड्स। टिक करने के बाद आपको टैग विकल्प पे क्लिक करना है, और आपको किस वीडियो को बनाते हैं उसी टॉपिक के बड़े बड़े स्टार के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 3-4 स्टार्स के नाम। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो या आपके खुद की प्रोफाइल हो, आपको यहाँ पर उसका नाम डाल लेना है फ्रेंड्स। नाम डालने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो एक कोलैबोरेट को उसको एक रिक्वेस्ट जाएंगी फ्रेंड्स। वो एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक कोलैबोरेट हो जाएंगी फ्रेंड्स, उससे आपकी अकाउंट की रीच भी बढ़ेंगी और फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। इसके बाद आपको टिक पे क्लिक करें। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सिटी, और आप यहाँ ये वीडियो को कहाँ से कैप्चर किया है ये भी लोकेशन डाल लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और आपको शो कैप्शन पे क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। और कुछ नहीं, आपको बैक आ जाना है। और आपको यहाँ पर आप जब भी रील्स अपलोड करते हैं तो आपकी अपनी रील्स को खुद नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी रील्स की रीच कम हो जाएगी फ्रेंड्स, और अकाउंट की रीच भी कम हो जाएगी। आप खुद की वीडियो देखेंगे तो वो इंस्टाग्राम वाले आपको अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, इसलिए आपकी व्यूज़ नहीं आती। इसके लिए आपको खुद की रील्स को नहीं देखना है बार बार, और दूसरे अकाउंट से आप देख सकते हैं दूसरे को अकाउंट से, लेकिन खुद के फ़ोन से नहीं देखना है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद आपको शेयर टू रील्स पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर अपलोड होने के पहले ही आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर रील सेक्शन पे आना है,
और स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखो अपलोड हो चुके हैं, इससे फिर से डायरेक्ट बैक ले ले फ्रेंड्स। तो इतना ही करना है फ्रेंड्स और कुछ नहीं। इतना करने के बाद आपको रील्स नहीं देखने फ्रेंड्स, 3-4 घंटे छोड़ के ही आपको वो रील्स फिर से देखना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा रील्स में कितना व्यूज आए और कितना लाइक्स आए। खुद की वीडियो को खुद बार बार ना देखे और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट रील्स डाले तो आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है जल्दी से। तो खुद सी क्रिएटिविटी से वीडियो बनाओ फ्रेंड्स और दिमाग लगाओ। और ओके बाय, टेक केयर।